नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर LIC की जो न्यू जीवन आनंद पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये पॉलिसी क्या आपको लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप लेंगे तो आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये सारा कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसको समझाने के लिए जो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो इनका सेल्स फ्यूचर है, मैं उनसे ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये सारा कुछ यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं इस फ्यूचर को डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बिना समय ज़ाया किए हुए चलिए देख लेते हैं LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी कैसी है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बैंक FD और भी लोन से रिलेटेड हर जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी एक नॉन लिंक पॉलिसी है, यानी कि अगर आप देखें ये पॉलिसी स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में लिंक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें ये इंडिविजुअल के लिए ये पॉलिसी लिया जा सकता है और एक लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है। अगर आप यहाँ पर फिक्स्ड इनकम या चाहते हैं कि आपको एक फिक्स्ड मेच्योरिटी मिले, तो आप उसके लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अपने जो यहाँ पर इमरजेंसी गोल्स है जिनको आपको पूरा करना ही होगा, उनके लिए भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, जो कि आपका सम एश्योर्ड है वो आपको डेथ बेनिफिट के तौर पे मिलता है बेनिफिट, और जो राइडर है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है। और इस पॉलिसी के अंदर क्या कुछ मिलता है सर, इस पॉलिसी के अंदर अगर आप देखें, इस पॉलिसी के अंदर आपको और भी राइडर्स अवेलेबल करवाई जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप देखें जो बेसिक सम एश्योर्ड है, मिनिमम जो है वो 1,00,000 का यहाँ पर LIC की ओर से तय रखा गया है। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो यानी कि जो आपकी बीमा की राशि है, यानी कि आप जितने का बीमा करवाते हैं, तो वो मिनिमम 1,00,000 का रखा हुआ है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम के हिसाब से यहाँ पर आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और अगर आप देखें मिनिमम एज एट एंट्री, तो ये पॉलिसी को लेने के लिए आपकी जो आयु है या एज है वो कम से कम 18 वर्ष पूरे होने चाहिए, और मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैच्योरिटी की बात करें तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो मैक्सिमम मैच्योरिटी के लिए भी आपको 75 वर्ष तक का ही आप यहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी टर्म ले सकते हैं। तो यानी कि अगर आप देखें 50 साल का कोई व्यक्ति अगर है तो वो मैक्सिमम 25 साल के लिए बीमा करवा सकता है, और मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 15 साल का रखा गया है। आपको 15 साल के लिए कम से कम इस बीमे को लेना होगा, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो 35 वर्ष तक के लिए रखा गया है। जो अगर आप बात करें लंबे अवधि में 35 वर्ष के अगर आप टर्म लेते हैं तो वहां पर आपको ज़्यादा फायदा होता है। और यहाँ पर जो राइडर्स की मैं आपको बात कर रहा था, राइडर्स की बात करें यहाँ पर आपको राइडर्स ऑप्शनल अवेलेबल यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। और यहाँ पर देखिए तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर को भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। और देखिए तो क्रिटिकल इलनेस का भी एक राइडर यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप चाहे तो ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, ये सुविधा भी आपको यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर आपको एक इल्यूलेशन के तौर पे आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ है जो आपको प्रीमियम यहाँ पर पे करने होंगे। और यहाँ पर सर और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, LIC की जीवन आनंद पॉलिसी के लिए अगर आप देखिए ग्रेस पीरियड रखा गया है, जो कि हर पॉलिसी के ऊपर ही होता है, लेकिन आपको ये वाला एक बार दोबारा से आपको बता दूँ। एक ग्रेस पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी अलाउ फॉर प्रीमियम फॉर पेमेंट ऑफ ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली प्रीमियम। तो अगर आप यहाँ पर सालाना प्रीमियम साल में दो बार, यानी कि वर्षों एक वर्ष में दो बार हाफ ईयरली प्रीमियम, या आप साल में चार बार प्रीमियम देते हैं, तो आपको उस केस में
30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। मान लेते हैं आपने किसी महीने के जनवरी के महीने के 1 तारीख को आपने पॉलिसी करवाई और आपने ईयरली मोड पे करवाई या हाफ ईयरली मोड पे, कोई भी मोड पे करवाई तीनों में से, तो वहां पर आपको क्या होता है, अगले साल अगर जनवरी के 1 तारीख को आप प्रीमियम नहीं दे पाते तो उस दिन से लेकर जिस दिन की आपको पॉलिसी यहाँ पर प्रीमियम देनी थी उस दिन से लेकर 30 दिन तक का आपको वक्त मिलेगा और उस दिन के दौरान यहाँ पर आपका जो रिस्क कवर है वो यहाँ पर कवर्ड करवाई जाती है LIC की ओर से। और 30 दिन पूरा होने के बाद अगर आप तब भी प्रीमियम नहीं देते तो आपको डेथ बेनिफिट वगैरह जो सारा कुछ है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो मंथली मोड के लिए यहां पर है उसमें आपको 15 दिनों का सिर्फ और सिर्फ ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि मंथली मोड में आपको 15 दिन के भीतर भीतर ही अपना प्रीमियम जमा कर देना है। और यहां पर सर कुछ एक सिंपल अगर आप देखें इलुस्ट्रेटिव अगर आप प्रीमियम के यहां पर जिक्र करें तो आपको कितना प्रीमियम देना होगा उस हिसाब से यहां पर रखा गया है। 1 लाख का जो स्टैंडर्ड लाइफ कवर है उसके तहत अगर आप 15 साल का यहां पर जो बीमा का टर्म लेते हैं या 25 साल का लेते हैं या 35 साल का लेते हैं तो उस हिसाब से आपकी एज 20, 30, 40 और 50 वर्ष के हिसाब से आपको कितना प्रीमियम देना होगा 1 लाख के ऊपर ईयरली प्रीमियम यहां पर कैलकुलेट करके LIC की ओर से दिखाया गया है। ये प्रीमियम 1-2 रुपया चेंज ऊपर नीचे हो सकता है आपकी एज के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल कोई 30 साल का व्यक्ति अगर 15 साल के लिए LIC की जीवन आनंद का 1 लाख का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी लेता है तो उसको सालाना 8,080 रुपया GST को छोड़ के इसको देना होगा। और अगर वो 25 साल का लेता है तो उसको 4,581 रुपया 25 साल के लिए 1 लाख के स्टैंडर्ड लाइफ रिस्क कवर के ऊपर उसको देना होगा। और वही 30 साल का व्यक्ति अगर 35 वर्ष का बीमा लेता है 1 लाख का तो उसको 3,165 रुपया जमा करवाने होंगे उसके प्रीमियम के ओर से। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन। और यहां पर कुछ रिबेट्स भी आपको मिलते हैं। अगर आप ईयरली मोड का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चयन करते हैं तो आपको आपके प्रीमियम के ऊपर 2% का डिस्काउंट या रिबेट मिलता है। हाफ ईयरली मोड पर आपको 1% का टेबुलर प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट मिलता है और क्वार्टरली और मंथली मोड के ऊपर कोई भी डिस्काउंट या रिबेट नहीं मिलता है। हाई सम एश्योर्ड के ऊपर भी रिबेट दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर हाई सम एश्योर्ड लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसके ऊपर कुछ रिबेट यहाँ पर रखा गया है तो वो रिबेट कितने का है वो भी आपको एक बार बताना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें अगर आप बीमा करवाते हैं और आप 1 लाख से मतलब 10 लाख से ऊपर का बीमा लेते हैं तो आपको यहाँ पर कितने का यहाँ पर मिलेगा। अगर आप 1,95,000 तक का बीमा करवाते हैं 1,95,000 तक का बीमा करवाते हैं तो आपको कोई रिबेट बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 लाख से ऊपर का बीमा करवाते हैं 2 लाख से लेकर 4,95,000 तक का अगर आप बीमा करवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको आपके सम एश्योर्ड के ऊपर प्रीमियम के ओर से अगर आप देखें 1.50% का बेसिक रिबेट यहाँ पर मिलता है। तो ये सबको आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 5 लाख से लेकर 9,95,000 तक का सम एश्योर्ड का बीमा लेते हैं तो आपको 2.5% का बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर प्रीमियम के रिबेट मिलेगा। अगर आप 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी करवाते हैं तो आपको 3% का प्रीमियम के ऊपर रिबेट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए बीमा करवाते वक्त। बहुत से लोग क्या करते हैं छोटा छोटा यहां पर सम एश्योर्ड लेते हैं एक बार में पूरा नहीं ले पाते तो मैं उनको कहना चाहूंगा अगर आप बीमा करवाते हैं एक बार में बड़ा सम एश्योर्ड का अगर होता है अगर आप ले पाते हैं तो लेने की कोशिश कीजिए। उसमें आपको जो रिबेट है प्रीमियम के ऊपर वो सारा कुछ मिल जाता है। उसके बाद देखें तो रिवाइवल का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो रिवाइवल का ऑप्शन अगर कभी आपसे प्रीमियम देने में देरी होती है तब भी आप यहाँ पर रिवाइवल करवाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। पेड अप पॉलिसी का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। 3 साल 4 साल 5 साल के ज़्यादा अगर आप प्रीमियम दे देते हैं तो उसमें पेड अप पॉलिसी का भी ऑप्शन यहाँ पर दी जाती है। सरेंडर की बात करें तो पहले अगर आप देखें 3 साल में सरेंडर हुआ करता था लेकिन अगर आप देखें अभी जो सिचुएशन रहा है वहाँ पर 2 साल आपका प्रीमियम जो है पॉलिसी का देने के बाद आप चाहे तो उसको सरेंडर भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा सर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको सरेंडर करवाने से कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता अगर आप उसको जल्दी में सरेंडर करवाते हैं। सरेंडर में आपको कभी भी फायदा नहीं होता।
उसके बाद देखिए तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर उनका दिया गया है, वो मैं अगर आप चाहे तो खुद से ये ब्रीचर डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी लोन की फैसिलिटी है ये भी आपको बताना चाहूंगा। आप पॉलिसी के ऊपर चाहे तो लोन भी ले सकते हैं 2 साल कंप्लीट होने के बाद। अगर आप देखिए 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको कितना लोन मिलेगा, टू मैक्सिमम लोन अलाउड अंडर द पॉलिसी एज ए परसेंटेज ऑफ सरेंडर वैल्यू, आपके सरेंडर वैल्यू के जो परसेंटेज है उसके ऊपर आपको लोन दिया जाता है। अगर आपकी पॉलिसी टोटली इनफोर्स है तो आपको आपके सरेंडर वैल्यू के ऊपर 90% तक का लोन मिल जाएगा। लोग समझते हैं प्रीमियम के ऊपर लोन मिलता है, लेकिन सर आपने जो प्रीमियम दिया उसके भुगतान के ऊपर नहीं, आपका जो सरेंडर वैल्यू है उसके ऊपर आपको 90% तक का लोन मिल जाता है। और पेड अप पॉलिसी, अगर आपका पॉलिसी फुल्ली पेड अप है या फिर कोई दिक्कत की वजह से आपकी पॉलिसी बंद हो गई है और पेड अप वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, तो उस केस में आपको 80% तक का आपके सरेंडर वैल्यू का लोन दिया जाता है। टैक्सेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें 80C के तहत यहाँ पर आप टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड की बात करें तो 15 दिनों का फ्री लुक पीरियड है। अगर गलती से आपने पॉलिसी ले ली और उसके बाद आपको समझ में आया कि पॉलिसी मुझको यहाँ पर कैंसिल करवानी है, ये वो सारा कुछ, लेकिन उसमें उसके लिए आपको 15 दिनों का वक्त मिलता है, तो 15 दिनों के अंदर अंदर चाहे तो आपको आप ये पॉलिसी को कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा, सब कुछ समझने के बाद इंश्योरेंस कीजिए, उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। कैंसिलेशन करवाने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिक्कत भी करना पड़ता है, तो ये सारा कुछ नहीं करवाना जिससे पड़े, तो इसके लिए आपको सारा कुछ पहले समझने के बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये तो कुछ हो गया सर आपका जो बेनिफिट वगैरह सारा कुछ है, और यहाँ पर क्या कुछ दिया जाता है मैच्योरिटी ओर से, आपका जो आपने पॉलिसी लिया आपका सम एश्योर्ड आपको मिलता है, आपका फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, और आपका जो बोनस है वो आपको यहाँ पर दे दी जाती है। तो ये तो हो गया LIC की जीवन आनंद पॉलिसी का एक आउटलुक की ये पॉलिसी कैसा है। और अगर आप मेरे से राय पूछे कि सर क्या ये पॉलिसी लेनी चाहिए, डेफिनेटली LIC की ओर से न्यू जीवन आनंद पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और एक की फीचर्स और भी बताना चाहूंगा, इस पॉलिसी के तहत आपकी मैच्योरिटी के बाद भी आपने जितने का बीमा लिया है वो आपको लाइफ टाइम के लिए उसका कवर मिलता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता यही है आपकी डेथ के बाद आपकी जो नॉमिनी है उनको वो बाकी की रकम दे दी जाती है आपकी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी। तो 2 बार मैच्योरिटी का यहां पर बेनिफिट मिलता है, एक बार आपकी मैच्योरिटी टर्म के ऊपर और एक बार मैच्योरिटी होने के बाद आपकी जब डेथ होगी तो आपकी नॉमिनी को बाकी का पैसा दे दिया जाता है सम एश्योर्ड। तो ये तो सारा कुछ हो गया सर LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी का बेनिफिट। आप अगर इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे पूरी तरह से डिस्कस कीजिए, उसके बाद पॉलिसी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। तो यही था हमारा आज का प्रयास कि आपको बता पाऊं कि LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी कैसी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।